Hey guys, welcome back to my channel. So, आज के वीडियो में मैं रिव्यू करने वाली हूँ ये वाला प्रोडक्ट. ये है इंडस वैली का स्पा. इफ़ यू हैव डैमेज एंड ड्राई हेयर देन स्पा आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. एंड क्योंकि घर शिफ्टिंग के बाद मेरे हेयर जो है वो झाड़ू जैसे हो गए थे, सो दैट इज़ द रीज़न आई वॉज लुकिंग फॉर समथिंग जो मेरे बालों को फिर से थोड़ा सा स्ट्रगल कर दे. ये मैंने ऑनलाइन लिया है एंड इसका जो रिव्यू था वेबसाइट पर वो काफ़ी अच्छा था. सो आई थॉट आई शुड ट्राई दिस प्रोडक्ट फॉर वंस एटलीस्ट. इससे पहले मैंने इंडस वैली का जो कोकोनट ऑयल होता है, प्योर वर्जिन कोकोनट ऑयल, वो यूज किया था एंड वो मुझे काफी अच्छा लगा था. सो इस बार मैंने सोचा कि आई शुड ट्राई दिस प्रोडक्ट. एंड ये प्रोडक्ट जो है ये कुछ ऐसा दिखता है. इसकी जो पैकेजिंग है वो लाइक नॉर्मल टाइप की है, लेकिन इसको जब आप ओपन करोगे ना आपको डायरेक्टली ऐसा दिखेगा. मतलब इसके अंदर कोई और लॉक सील टाइप का चीज़ नहीं है, डायरेक्टली आपको ऐसा मिलने वाला है. एंड क्योंकि मैंने ये इसको यूज़ किया है तो आप देख सकते हो ये काफ़ी खाली हो गया है. अगर मैं स्मेल की बात करूं, इसका जो स्मेल है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग स्मेल है. जब मैंने इसको यूज़ किया, धो लिया, उसके बाद भी इसका जो स्मेल है वो मतलब मुझे फील हो रहा था. आप देख सकते हो प्रोडक्ट का जो कलर है वो वाइट है एंड इसका जो टेक्सचर है वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ. आप देखो ये कितना सॉलिड टेक्सचर है. जब आप इसको अंदर से निकालोगे ना आपको काफ़ी मेहनत करके इसको निकालनी पड़ेगी. ये इतना ज़्यादा थिक है प्रोडक्ट. दिस प्रोडक्ट क्लेम्स के ये के हेयर को बहुत ही ज़्यादा नरिश करेगा एंड आपको सॉफ्ट एंड बाउंसी हेयर देगा. इफ़ यू हैव डैमेज हेयर, अगर आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम है या फिर अगर आपको लाइक हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, देन ये प्रोडक्ट आपके लिए सुइटेबल प्रोडक्ट होगा. हेयर फॉलिकल्स जो होते हैं उसको स्ट्रेंथ देता है ये. नाउ बात करते हैं कि हाउ टू यूज़ दिस प्रोडक्ट. आपको पहले शैम्पू कर लेना है, देन आपको टॉवल से थोड़ा सा ड्राई कर लेना है अपने बालों को. उसके बाद आपको ये अच्छा खासा एक क्वांटिटी में लेना पड़ेगा और आपके बालों पे, पूरे बालों पे अच्छे से इसको लगाना है. उसके बाद आपको 20-30 मिनट्स को रख देना है, देन सिंपली आप पानी से इसको धो लो. ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस कुछ नहीं है एंड इसका जो MRP है वो है 299 rupees. जो प्रोडक्ट है ये 175 ml का है. नाउ बात करते हैं कि ये प्रोडक्ट एक्चुअल में मुझे कैसा लगा. ओके, सो फर्स्ट जब मैंने इसको यूज़ किया मुझे ये काफ़ी ज़्यादा, जैसे कि मैंने आपको बोला, थिक है. तो स्मूथली मेरे बालों में पहले तो ये मिक्स नहीं हो रहे थे, लेकिन हाँ उसको मैंने अच्छे से जब मिक्स किया मुझे लगा कि थोड़ा सा सॉफ्ट टाइप का एक फील आ रहा था. मैंने 30 मिनट्स इसको रखे थे, उसके बाद मैंने धो लिया. धो लेने के बाद भी मुझे एक सॉफ्ट फील लगा. ये जो प्रोडक्ट है ये लगाने के बाद मेरे बाल थोड़े बहुत सॉफ्ट हो गया है, लेकिन उतना भी कुछ ड्रास्टिक चेंज नहीं आया है. मुझे बहुत ज़्यादा बाउंसी हेयर नहीं पसंद है बिकॉज मेरे हेयर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फूले रहते हैं. तो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ प्रोडक्ट जो कि एक बजट के अंदर हो, देन डेफिनेटली आप इसको ट्राई कर सकते हो. अदरवाइज मार्केट में बहुत ज़्यादा महंगा लाइक प्रोडक्ट्स तो है ही. डैंड्रफ की प्रॉब्लम मुझे नहीं है इसीलिए मैं उसका फीडबैक आपको नहीं दे सकती हूँ, बट डेफिनेटली यहाँ पे लिखा है कि डैंड्रफ में ये काम करेगा. सो डेफिनेटली इफ़ यू हैव दैट काइंड ऑफ प्रॉब्लम यू शुड ट्राई दिस प्रोडक्ट. सो गाइज, ये था मेरा आज का वीडियो. आई होप आपको अच्छा लगा होगा. प्रोडक्ट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने की कोशिश करूँगी. एंड या अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, इस वीडियो को एक लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और उसके बाद आपको एक बेल आइकन दिखेगा उसको क्लिक कर लेना ताकि आपको मेरे नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलता रहे. एंड यस, मैं आपसे मिलूंगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर.